और कुछ ऐसे लोग जो निष्क्रिय हो गए थे पीछे चुनाव के दौरान, उनको या तो वापस लेके आए या वो चाहते हैं कि हम काम नहीं कर सकें तो दूर बैठे, उनकी जगह जो खाली जगह होगी है दूसरे लोगों को लेके आए। इतने ज़्यादा पूरी जनता कह रही पर्ची सरकार से परेशान, पर्ची सरकार से परेशान, हमें चुनाव में अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य यही है कि आने वाले तमाम चुनाव, चाहे पंचायतों के हो चाहे नगर निकाय के हो, उन सब में कांग्रेस जीते। संगठन में कहीं निष्क्रियता आती है, संगठन में कहीं कमजोरी आती है, तो वो पार्टी का जो प्रदर्शन होता है उस पर भी दिखाई देता है। नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। हमारे साथ में मुख्य रूप से कांग्रेस कमेटी की आज समीक्षा बैठक थी जिला स्तर पर। यहाँ पर प्रदेश की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर चेतन जी डूडी यहाँ पर पहुँचे, समीक्षा की और समीक्षा के बाद में क्या निर्देश दिए, हमारे साथ में अभी चेतन जी डूडी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज जो मीटिंग हुई मुख्य रूप से आपकी समीक्षा बैठक हो रही, उसका क्या लबोल हुआ? देखिए, इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि हम फिर से चुनाव हो चुके हैं, चाहे बड़े चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा इनके हो चुके हैं, इसके बाद हम फिर से कांग्रेस का जो संगठन है उस संगठन को वापस से ऊर्जा दें, वापस से जो क्रियाशील व्यक्ति हैं, संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको संगठन के साथ जोड़ें, और कुछ ऐसे लोग जो निष्क्रिय हो गए थे पीछे चुनाव के दौरान, उनको या तो वापस लेके आएँ या वो चाहते हैं कि हम काम नहीं कर सकें तो दूर बैठे, उनकी जगह जो खाली जगह होगी है दूसरे लोगों को लेके आएँ। और उद्देश्य यही है कि आने वाले तमाम चुनाव, चाहे पंचायतों के हो चाहे नगर निकाय के हो, उन सब में कांग्रेस जीते। और जैसा कि आप देख रहे हैं भाजपा से लोग बाग दुखी हैं, यहाँ जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी तमाम वो योजनाएं बंद कर दी गई, और इसका नतीजा आपको लोकसभा चुनाव के अंदर भी दिखा। वो सारी बातें हम लोगों के सामने लेके आए कि भाजपा की सरकार ने ये कुठाराघात आपके अधिकारों पे किए। मुख्य रूप से जैसे चुनाव के दौरान जो बातें सामने आई और अभी कुछ नाराजगियाँ भी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही हैं आपकी पार्टी में, इसको लेकर क्या? देखिए, अभी तो कोई नाराजगी मुझे नज़र नहीं आई, कुछ जो टीस तो है कि हार हुई है पार्टी की। देखिए, मैं ये यही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ कमी जो रह गई उसको पूरा करने के लिए हमने मीटिंग की, कि कुछ कमियाँ लोगों जो हमारे कार्यकर्ता उनसे बात की जाए कि आपको चुनाव के दौरान क्या कोई कमी लगी, उसको हम सुधार कैसे कर सकें, हम PCC के माध्यम से करें या जिला कार्यकारिणी या जिला अध्यक्ष जी के मार्फत करें, तो वो सारी बातें हमने की। उसी के लिए मीटिंग थी कि कहीं कोई कमी किसी को नज़र आई तो हम उस पर बातचीत करें, चर्चा करें। मोटे तौर पर क्या चीज़ दिखी, क्या ग्राउंड स्तर तक पार्टी की पकड़ नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आप यहाँ क्या पूरे के पूरे देश में गांव ढाणी तक पहुँची पार्टी है, लेकिन कुछ कमियाँ ये रह जाती है कि कहीं कोई व्यक्ति जिसको पद दे रखा है वो हो सकता है उस वक्त काम नहीं कर पाया हो, तो इन्हीं सब पे चर्चा की गई और बड़ी सार्थक चर्चा इन मीटिंग्स के दौरान निकल के आती है। और मैं ये मानता हूँ कि इन चर्चाओं के माध्यम से हम जो सुधार कर सकें वो सुधार करेंगे। अभी नगर निकाय के चुनाव भी हैं, पंचायत राज के चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर भी कोई तैयारी? देखिए, संगठन मजबूत होगा तो तमाम तरीके के जो चुनाव होंगे हम सारे जीत सकते हैं। संगठन में कहीं निष्क्रियता आती है, संगठन में कहीं कमजोरी आती है, तो वो पार्टी का जो प्रदर्शन होता है उस पर भी दिखाई देता है। तो हमारा मकसद ये है, संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, और उसके माध्यम से हमारे जितने भी चुनाव हों, चाहे निकाय के हों, चाहे पंचायतों के, चाहे विधानसभा लोकसभा, वो हम जीत के आए। जैसे केंद्र और राज्य में दोनों जगह BJP की सरकार है, जैसे कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तो उसका इफेक्ट फिर आपके संगठन पे या पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा? देखिए, डबल अगर यूपी में रहा है, डबल इंजन की सरकार यूपी में ही थी, योगी जी और मोदी जी दोनों ही थे, और सबसे बुरी हाल तो वही हुई है, डबल इंजन में की सरकार में हुई है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी जगह जो स्थितियाँ हैं उसके अनुकूल तो परिणाम नहीं आए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप डबल इंजन की बात करें तो यूपी में डबल इंजन की सरकार थी और सबसे विपरीत BJP के परिणाम वही आए, तो डबल इंजन से फायदा कहाँ मिला, नुकसान हुआ। वहाँ कांग्रेस का तो वहाँ वोट बैंक नहीं बढ़ा, दूसरे हालांकि आपके इंडिया गठबंधन से सीटें बढ़ी है, हमारी सीटें बढ़ी है, हमारे साथी मजबूत हुए हैं वहाँ, और आने वाले समय में राज्य सरकार बना रहे हैं यूपी में। तो ये तो वैसाखी की सरकार है, आप भी मान रहे हो कि सौदा करके बैठे हुए हैं। सरकार तो कांग्रेस ने भी बनाई पहले, कितने लाख करोड़ रुपए देंगे एक स्टेट को, अरे आप पहले 10 साल में दे देते तो ये मांगे नहीं उठती, उस टाइम रोक दिया था, अब आज आपको मजबूरी में देना पड़ रहा है। अब आप एक स्टेट को ही पनपाओगे, एक पूरे देश को पनपाओगे, एक स्टेट को ही पनपाओ, 1 लाख करोड़ रुपये एक स्टेट को दे दोगे, आपकी मजबूरी हो गई है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। राजस्थान की जो स्थिति देखें तो ये जो चुनाव गए उसको कैसे देखते हैं आप? चुनाव में
राजस्थान में तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया उम्मीदों से ज़्यादा, मेवाड़ और मारवाड़ में पीछे रह गए हम, शेखावाटी और ये जाट बेल्ट और आपके ढूंढार इलाका, मेवाड़ और राजसमंद की बात करें इलाका, मेवाड़ और मारवाड़ में कमी रही। ये क्या है कि पहले चुनाव हो गए ना, तो उस टाइम में देश में जो लहर बनने शुरू हुई हमारे गठबंधन की, और उससे पहले चुनाव हो गए। अगर यही राजस्थान में बाद में होते हैं तो 18 क्रॉस करते। तो एक मुख्य रूप से अभी मेवाड़ की जो सीटें हैं, ये चुनाव भी तैयारी कर रहे हो, तो क्या लग रहा है ये आगे आने वाले चुनाव में चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगी डबल इंजन की सरकार? अरे आप क्या बात कर रहे हो, पर्ची सरकार है, इतना ज़्यादा पूरी जनता कह रही है पर्ची सरकार से परेशान, पर्ची सरकार से परेशान। हमें चुनाव में अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यही मामला रहा तो लोग घर आएंगे डूडी साहब के, डूडी साहब खड़े हो आपको एमएलए बना के भेज रहे हैं, ये हालत बनने वाली है। काका साहब, जैसे आप भी समीक्षा के दौरान मौजूद थे, कुछ कार्यकर्ताओं की पीड़ा भी सामने आई, पिछली हार की चर्चा भी हुई, ये भी तो क्या कैसे देखते हैं अब आने वाले भविष्य? तो स्वाभाविक है, ये अच्छा सिग्नल होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को कम से कम ये पता हो रहा है कि आने वाले समय में पार्टी बहुत बड़ी पावर है, इसलिए। और छोटी मोटी शिकायत सब में होती है, बाप बेटों में होती है, तो परिवार इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब नई ऊर्जा के साथ मैदान में, नई ऊर्जा ही है ना हरदम, वो तो बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ लगेंगे, डूडी साहब जवान, राठौड़ साहब जवान, वो सब जवान और नौजवान मिलकर पूरा काम करेंगे और आपकी पूरा सहयोग होगा ना। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डूडी साहब, और कांग्रेस के पदाधिकारियों का दावा है कि निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है आने वाले समय में पूरी ऊर्जा के साथ दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतरेंगे, और आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस अपने जीत का परचम लहराएंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।